चर्चा यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छा। सभी बात रखने की अवसर सभी को मिलेगा, सब ठीक ठाक बात करके मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगी कि आप एक जगह में आइए कि इतना टैक्स मत लगाइए कि आप ही को सिर्फ मुनाफा हो और गरीब मरते रहे। गरीब की तरह थोड़ा देखिए, गरीब के बारे में सोचिए और टैक्स कमती कीजिए कि वो भी जी सके। नमस्कार सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कौशलेंद्र कुमार जी, आज महंगाई के मुद्दे पर अरे सुषमा जी नहीं है जिंदा सर, सुषमा जी सदन की 2004 में सदस्य नहीं थी, वो 2009 में बनी। ये करेक्शन, चूंकि सुषमा जी यहाँ नहीं है इसीलिए उनको। कौशलेंद्र कुमार जी सभापति महोदय, कौशलेंद्र कुमार बोलते हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। सभापति महोदय, आपने मुझे महंगाई पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज महंगाई पर जो चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष, जब जब सरकार बनती है या चुनाव आता है तो उसके पहले भी महंगाई पर चर्चा होती है और बाद में भी। आज जब से माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से लगातार उनका प्रयास है कि जो गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे किसान हो मजदूर हो, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे उसको खुशहाल करें, इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज उसी का देन है कि जब हम गांव में जाते हैं तो सड़क मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, उतना ही नहीं पीने का पानी नल का मिल रहा है। यह इंतजाम अभी यूपीए के कुछ साथी बता रहे थे, उस दिन भी याद रखना चाहिए कि आजादी के 75 साल होने जा रहा है और 50 साल आपने शासन किया, उस समय देश में जो गरीब की संख्या थी, और आज आप खाता दिखा रहे हैं। गांव में मिट्टी का मकान था, आज गांव में सर चले जाते हैं अब मिट्टी का मकान ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को मैं बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया है। उतना ही नहीं सभापति महोदय, जब गांव में हम लोग रहते हैं, गांव जब घूमते हैं तो गांव में जो खुशहाली है, अभी पिछले कोविड में लगातार प्रधानमंत्री जी बोलते रहे कि इस कोविड में घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी उनके साथ दे रहे थे। और कोविड में जो इन्होंने इंतजाम किया, जो व्यवस्था दिया, गरीब जो बाहर में रह रहे थे उनको गांव तक पहुंचाया और मुफ्त में लगभग 80 करोड़ गरीब को भोजन देने का काम किया, आज तक दिया जा रहा है। यह भी सोचना चाहिए, आज अगर थोड़ा महंगाई बढ़ा है तो उसके लिए हम लोग चिल्ला रहे हैं कि राशन तेल तो करुआ तेल तो मोबिल सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है पेट्रोल में। ये चीज भी देखना चाहिए कि मोदी जी ने कहा था कि देश के जो गरीब लोग हैं, जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को हवाई जहाज घुमाऊंगा। आज देश में गरीब लोग हवाई चप्पल पहनने वाला दिल्ली आ रहा है और कश्मीर जा रहा है, ये है मोदी जी का कमाल। मैं कुछ लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गया, उस समय एयर इंडिया से जब हम लोग जाते थे पटना, हुजूर 32,000 रुपया टिकट था, लेकिन आज जब जहाज चढ़कर जाते हैं पटना तो 5,000 रुपया 4,000 रुपया में जाते हैं। महंगाई कहां बढ़ा, महंगाई कुछ चीजों पर अगर बढ़ी है तो लगातार सरकार का प्रयास है कि गांव में जो किसान है गरीब है उसकी स्थिति को हम मजबूत करेंगे। आज उनका जो पहल हो रहा है, किसान की आमदनी दुगुना हो। प्लीज साइलेंस, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो सदस्यगण,
काइंडली मेंटेन द डेकोरम, काइंडली मेंटेन द डेकोरम। सभापति महोदय, हम लोग 2009 में चुन कर आए थे, उस समय यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार में लगातार हम लोग भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे, चाहे कई तरह का कोयला घोटाला हो, खेल घोटाला हो, खाली घोटाला। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, कोई विपक्ष बता दे कि किसी भी विभाग में अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, आज पूरा भारत भ्रष्टाचार मुक्त है। जहां जहां एनडीए की सरकार है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। तो आज जो महंगाई पर चर्चा हो रहा है, और सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि तेल का दाम बढ़ गया, अरे तेल का दाम बढ़ गया तो राज्य सरकार को चाहिए, बिहार से देखना चाहिए बिहार के तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अभी डीजल पर 60 रुपया सब्सिडी दिया, या अकाल को देखते हुए। सभापति महोदय, हर चीज भारत सरकार करती है और राज्य सरकार भी करती है, कई लोगों का मैं देख रहा था। तो इसलिए आज जो महंगाई पर चर्चा हो रही है, उसमें यह भी देखना चाहिए कि हालात सुधर रहे हैं देश का कि नहीं। आज देश में बिजली मिल रहा है, सड़क बन गया, गांव की गली नली पक्की हो रही है, गांव के किसान का काम हो रहा है, इन चीजों पर भी ध्यान देने की आज जरूरत है। मैं इस सभा में, सदन में मैं कहना चाहता हूं कि जो महंगाई पर चर्चा हुआ है, इसमें देश के प्रधानमंत्री लगातार खुद सुन रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि विपक्ष के भी बात को सुनकर इन चीजों पर भी ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती संगीता आजाद जी।